top 10 private bee schools in India. Our focus is on cutting-edge domain knowledge and benchmarking with world-class businesses. Big Tech, excellence with values. मैं नेगेटिव लीड प्ले कर रही थी अभी तक सूर्या हुड्डा और मेरी एंट्री बाद में हुई है शो में क्योंकि ये तीन लड़कियों का शो है दिया साक्षी और प्रीत का मेरी एंट्री करीब दीदी एक महीने बाद हुई थी एक महीने बाद मेरी एंट्री हुई थी शो में और जब से मैं कर रही हूँ मैं अच्छा इंजॉय कर रही हूँ इस कैरेक्टर को बहुत फर्स्ट टाइम आप ये आर्मी का रोल करने से रोल करते हैं कैसा महसूस हो रहा है इसमें आपको मुझे अलग लग रहा है बहुत क्योंकि मैंने कभी आर्मी का रोल इससे पहले प्ले नहीं किया मैं रियल लाइफ में ज़रूर कैडेट रह चुकी हूँ अपने स्कूल टाइम में बट उसके बाद मेरा बिल्कुल कट ऑफ हो चुका था बिकॉज आई एम इन टू ग्लैमर वर्ल्ड नाउ तो आई एम डूइंग अ फिल्म एज वेल आई डिड अ फिल्म आई डिड शोज एज वेल लेकिन इन यूनिफॉर्म से डिसिप्लिन से हम लोग बिल्कुल आउट हो चुके थे मैं आउट हो चुकी थी और जब से ये शो कर रही हूँ वापस डिसिप्लिन क्या होता है यूनिफॉर्म क्या होती है देश के लिए प्यार क्या होता है ये सब पता चल रहा है आई एम प्लेइंग अ साउथ इंडियन कैरेक्टर इन दिस शो इस लाइक अ कॉमेडियन भी है क्योंकि अलग अलग देश से अलग अलग राज्य से सब लोग हम लोग आते हैं इसके अंदर फौज के अंदर हम लोग सब ज्वाइन करते हैं तो मैं इसमें साउथ इंडियन कैरेक्टर है मेरा जो मीनाक्षी अय्यर के नाम से है और मैं मेरे तो काफ़ी बाद में एंट्री हुई है अभी तो मेरा ट्रैक अभी जस्ट मेरा एंट्री हुआ है शो के अंदर और मैं बहुत इंजॉय कर रही हूँ क्योंकि आर्मी बेस्ड शो है तो हम लोगों को एक वर्दी पहनने के बाद एक अलग जज्बा रहता है एक अलग हमारे अंदर एनर्जी रहती है तो वही सब है इसमें सारी हमें ट्रेनिंग और जो भी हम एडवेंचर्स पार्ट्स हो सकते हैं एक अलग ही दुनिया मतलब मीडिया इंडस्ट्री में आने के बाद हमने सोचा नहीं होता हम हमेशा बस सोचते हैं हाँ मेकअप करेंगे सास बहू वाले जो सीरियल्स होते हैं उस टाइप के बस ग्लिसरिन डाल के आंसू निकालेंगे खुश होंगे बेसिकली आई एम अ स्टैंड अप कॉमेडियन ऑल्सो तो मैंने हमेशा लोगों को बस हंसाया है अभी लेकिन इसमें मुझे इतना डिफरेंट काम करने को मिला है आर्मी के उसमें मैं बहुत ज्यादा एंजॉय कर रही हूँ एंड एक लक्ष्य है कि पूरी टीम को थैंक्स है और आप लोगों के उसको कि आप लोग यहाँ पे आए हम लोग इंटरव्यू ले रहे हैं ये इसका सबसे बड़ा प्रूफ है कि हमारा शो एक लक्ष्य जो है नंबर वन टीआरपी पे वन टीआरपी पे है सब लोग इसका मतलब देख रहे हैं इसको लोग पसंद कर रहे हैं और दूसरा ये कि हमारा ही शो पहला था जिसमें लड़कियों को आर्मी के ड्रेसेस में कॉस्ट्यूम्स में डिसिप्लिन के साथ इस शो में दिखाया गया और अब आने वाले टाइम में शायद आप यही चीज प्राइम चैनल हमको कॉपी कर रहे होंगे हम तो कॉपी करेंगे क्योंकि हमारा शो पहले आया और हमारा शो बहुत अच्छा चल रहा है तो इसको फ्यूचर में अगर आएगा तो वो कॉपी होगा लाइफ ओके पे स्टार प्लस पे कई ऐसे शोज आर्मी बेस्ड शुरू हो रहे हैं जिसमें गर्ल्स को आप इन्हीं यूनिफॉर्म्स इसलिए हम अपने करण सर को थैंक्स बोलेंगे और उनको बोलेंगे कि उन्होंने सोचा कि लड़कियां इस तरीके से कर सकते हैं वरना हम लोग क्या होता कि सीरियल्स वैसे ही सास बहू वाले वो टाइप के कर रहे होते या उस टाइप के शोज कोई बना रहा होता और शायद आने वाले टाइम में हम कहेंगे कि हम लोग पहली कास्ट हैं जो ऐसे रोल उनकी डिफरेंट सोच है क्योंकि एक इमेजिनेशन होता है कि लड़की को हाँ उसी तरह से एक लड़की है तो वो खूबसूरत जबकि पूरा बन सवरेगी वो तभी यहाँ पे एक ऐसा शो है जिसमें हमको ज्यादा मेकअप या ज्यादा वो सब कुछ करने को अलाउड ही नहीं होता है और एक आर्मी वर्दी में आप पहनो और सुबह से शाम तक हम इसमें रहते हैं कोई इसमें चेंजेस कोई कुछ ऐसा हम करते नहीं है तब भी हम लड़कियां हैं तो हम बाज नहीं आती थोड़ी बहुत लिपस्टिक थोड़ा बहुत आई ये अंदर की बात है बतानी मैसेज हम यही देना चाहेंगे कि घर से बाहर निकलो दुनिया बहुत है यहाँ पे कुछ कर गुजरने का जुनून हमारे अंदर बड़ा ही गंदा है सामने शर्मिंदा हमारे आंधियों को कह दो कि अपने औकात में रहें कुछ करने का जुनून कल भी था और आज भी जिंदा है वाह 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 थैंक यू थैंक यू सो मच सर थैंक यू